नमस्कार। विदेशी धरती पर नीरज के भाले ने जो कमाल किया शायद उसे भूल पाना मुश्किल है, लेकिन भारत के पास विरासत में एक ऐसी तोप है जिसका जिक्र करने से दुश्मन की रूह कांप उठती है। आपने नीरज के भाले की ताकत तो देख ली, अब आपको भारत की उस तोप से वाकिफ कराते हैं जिसका गोला जहां भी गिरा वहां तालाब बन गया। आपने अलग अलग म्यूजियम में विरासत में संजोई गई तोप और अलग अलग हथियार देखे होंगे, लेकिन कभी आपने ऐसा तोप देखा है जो 400 सालों में सिर्फ एक बार चलाई गई हो और उसका गोला जहां भी गिरा वहां तालाब बन गया हो? आपको बता दें, भारत में एक खास तोप मौजूद है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी तोप का दर्जा हासिल है। साथ ही साथ इसके बारे में ये चर्चा भी मशहूर है कि इसके एक गोले ने बड़ा तालाब बना दिया था। दरअसल इस तोप का नाम है जय बाण। ये जयपुर के किले में रखी है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी तोप कहा गया है। एक दूसरे पर वर्चस्व कायम रखने के लिए प्राचीन काल से ही लड़ाइयां लड़ी जाती रही हैं। तमाम घातक हथियारों के जरिए दुश्मन सेना के दांत खट्टे किए जाते थे। उस समय तोप को सबसे घातक हथियार माना जाता था, ऐसा हथियार जिसमें बारूदी गोले को रखकर दूर तक फेंका जा सकता था। तोप ऐसा हथियार रहा जिसमें जंग के दौरान भारी तबाही मचाने की पूरी क्षमता थी। कई बार ये जंग की तस्वीर और परिणाम पूरी तरह से पलट देता था। आज भी सभी देश जंग में तोप का इस्तेमाल जरूर करते हैं। हाँ, अब ये तोप काफी अत्याधुनिक और पहले से अधिक खतरनाक हो गई है, मगर ये जानकर आप हैरान होंगे, 13वीं और 14वीं सदी में तोप का इस्तेमाल शुरू हो गया था। 1313 ईस्वी में यूरोप में तोप के इस्तेमाल के प्रमाण मौजूद है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था। जय बाण तोप को 1720 ईस्वी में जयगढ़ किले में स्थापित किया गया। तोप का निर्माण राजा जयसिंह ने कराया था, जो जयपुर किले के प्रशासक भी थे। इसका निर्माण अपनी रियासत की सुरक्षा के लिए कराया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस तोप को कभी किले से बाहर नहीं ले जाया गया और ना ही किसी युद्ध में इसके इस्तेमाल की नौबत आई, क्योंकि ये काफी वजनी है। माना जाता है कि इसका वजन करीब 50 टन है। इसे दो पहिया गाड़ी में रखा गया है। गाड़ी के पहियों का व्यास करीब 4.5 फीट है। इसके अलावा इसमें दो और अलग पहिये भी लगे हैं। इनका व्यास करीब 9 फीट है। इस तोप में करीब 50 किलो वजनी गोला इस्तेमाल किया जाता है। इसके बैरल की लंबाई 6.15 मीटर है। बैरल के आगे की ओर नोक के पास की परिधि 7.2 फीट की है। इसके पीछे की परिधि 9.2 फीट की है। बैरल के बोर का व्यास 11 इंच है। छोर पर बैरल की मोटाई 8.5 इंच है। इस भारी भरकम तोप को बनाने के लिए जयगढ़ में ही कारखाने का निर्माण कराया गया। इसकी नाल भी यही विशेष सांचे में ढाली गई। हालांकि इस कारखाने में और भी तोप का निर्माण कराया गया था। दशहरे के दिन इस तोप की पूजा होती है। अब आपको बताते हैं तोप और इसमें लगने वाले गोले की खासियत। एक बार इसका परीक्षण किया गया, जब गोला दागा गया तो लोग हैरान रह गए। वो करीब 35 किलोमीटर दूर चाकसू नामक कस्बे में जाकर गिरा। जहां ये गोला गिरा वहां एक बड़ा सा तालाब बन गया। इस तालाब में आज भी पानी है। स्थानीय लोग इसे अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, आपका इस तोप को लेकर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।